हेलो फ्रेंड्स, मैं आरिफ शेख। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉस कंपनी के कटर मशीन के आर्मेचर की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके दो सेगमेंट उखड़े हुए हैं। आज हम इसी को रिपेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले किसी नुकीली चीज की मदद से कम्यूटेटर के जले हुए भाग को अच्छे से खुरच लेते हैं। इसके बाद इन सेगमेंट्स को चिपकाने के लिए एपॉक्सी ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी कंपनी के एपॉक्सी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी किस्म का हो, ये ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर हमने बॉन्ड टाइट नाम के एक एपॉक्सी ग्लू का इस्तेमाल किया हुआ है। दोनों को बराबर मात्राओं में ले लें। और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इस एपॉक्सी ग्लू को उस जगह भर दीजिए जहां पर सेगमेंट्स उखड़ जाने की वजह से कम्यूटेटर में कैविटी पैदा हुई है। साथ में हम पीवीसी शीट की बारीक बारीक टुकड़ों का इस्तेमाल करेंगे ताकि उन सेगमेंट्स के बीच में गैप बना रहे, वो शॉर्ट ना हो, वो आपस में शॉर्ट ना हो और बहुत ही अच्छी तरीके से एपॉक्सी ग्लू को अप्लाई करेंगे, लगा देंगे। पीवीसी के इन बारीक टुकड़ों को सेगमेंट के बीच लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये टुकड़े सेगमेंट्स को आपस में शॉर्ट होने से बचाएंगे। और बड़ी आसानी से हम दोनों सेगमेंट्स को कम्यूटेटर में फिट कर पाएंगे। कम्यूटेटर के ऊपर पीवीसी शीट के निकले हुए अतिरिक्त भाग को, जो एक्सेसिव पार्ट है, उसको एक कैंची की मदद से, सीजर की मदद से अलग कर देंगे। फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही टाइट धागा लपेटे, धागे से टाइट बांध दें कम्यूटेटर को, ताकि सेगमेंट्स अपनी जगह पर
सही तरीके से बैठ जाएं और वहां चिपक जाएं अच्छी तरीके से। फिर आर्मेचर को लगभग 10-12 घंटों के लिए छोड़ दें सूखने के लिए, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से सूख जाए और सेगमेंट्स अपनी जगह पर बहुत अच्छी तरह से चिपक जाए। आर्मेचर को 10-12 घंटे सुखाने के बाद अब आर्मेचर का जो कम्यूटेटर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रेत पेपर से, फाइल से, इन चीजों से रगड़कर साफ करना है, बहुत ही स्मूथ बनाना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहा हूं उसे रगड़ने के लिए, साफ करने के लिए। आप यही काम रेत पेपर से, फाइल से, इन सब चीजों से कर सकते हैं। कम्यूटेटर के ऊपर किसी भी तरह का उठा हुआ भाग नहीं होना चाहिए। कम्यूटेटर अपने आप में बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। इस तरह की फाइल से आप कम्यूटेटर को स्मूथ बना सकते हैं। उसके ऊपर निकले हुए भाग को रगड़ कर, घिस कर, बिल्कुल उसकी सतह जो है बिल्कुल साफ, बहुत ही क्लीन, बहुत ही शाइनी बना सकते हैं कम्यूटेटर की सतह। रेत पेपर से रगड़कर पूरे कम्यूटेटर को स्मूथ बनाना है, एक जैसा बनाना है। उसमें कोई भी उठा हुआ पार्ट नहीं होना चाहिए और साथ में जो कार्बन है, जहां काला काला दिखता है वो सारा कार्बन है, उसे भी रगड़कर साफ करना है, ताकि कॉपर के जो सेगमेंट्स हैं वो बिल्कुल चमकते हुए दिखाई दें। अलग अलग ग्रेड के रेत पेपर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल रेत पेपर से रगड़ने के बाद कम्यूटेटर बिल्कुल चमक रहा है, जैसे कि बिल्कुल नया हो। आप हाथ से छूकर इसे महसूस कर सकते हैं, इसकी स्मूथनेस को, इसके चिकनेपन को, इसकी फिनिशिंग को महसूस कर सकते हैं। अब कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं उनके बीच जो एक गैप होता है, ताकि वो शॉर्ट ना हो जाए, उस गैप में किसी भी तरह का कचरा ना हो, किसी भी तरह का ये जो कार्बन के पार्टिकल्स ना हो, या कॉपर जो हमने खिसा है कॉपर के पार्टिकल्स ना हो, तो उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक नुकीली चीज की मदद से साफ कर लेंगे। यहाँ पर मैं कपास बॉक्स में आने वाले डिवाइडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप और भी किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कटर और डिवाइडर की मदद से इन सेगमेंट्स के बीच की जो जगह है, जो गैप है, उसे साफ कर रहा हूँ, ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करना है, ताकि सेगमेंट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई कार्बन पार्टिकल या कॉपर पार्टिकल ना रह जाए, जो बाद में कम्यूटेटर को शॉर्ट करे। आप अपने हाथ से छूकर
आर्मेचर की फिनिशिंग को महसूस कर सकते हैं। आर्मेचर की रिपेयरिंग के बाद कटर मशीन की असेंबलिंग शुरू होती है। सबसे पहले आर्मेचर को गियर हाउस में डालकर उसका अलाइनमेंट टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आर्मेचर की हाउसिंग उसमें लगाई जाती है। फिर फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शंस किए जाते हैं। फिर कार्बन ब्रश इंस्टॉल किए जाते हैं और आखिर में हैंडल का कैप लगाकर इसकी असेंबलिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद हम इसे, जो आर्मेचर रिपेयर किया गया है वो सही काम कर रहा है या नहीं, चलाकर टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी मैं अगला वीडियो भेजूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। जो आर्मेचर रिपेयर किया था वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।